Hey guys, what's up? This is your one and only Dipan Zone and you guys are watching none other than Dipan Gama. But जिस location से आज का vlog शुरू हो रहा है ना, इधर पे I can literally open my mask. In today's vlog, we will talk about something very special. And last vlog आप लोग already enjoy कर चुके हैं उसके ऊपर, that is the all new Meteor. तो here in this vlog, I have the mighty Royal Enfield Meteor 350 with me. तो ये जो मिटियोर है, दिस इज द टॉप मोस्ट वेरिएंट ऑफ मिटियोर, यानी दी सुपरनोवा एडिशन. सो इन मिटियोर यू विल गेट थ्री एडिशन. स्टार्टिंग वेरिएंट इज फायरबॉल, देन जाके स्टेलर विच इज द मिड वेरिएंट, एंड द टॉप मोस्ट वेरिएंट इज दिस वेरिएंट विच इज सुपरनोवा. तो राइट नाउ डेफिनेटली यू विल आस्क, कमेंट सेक्शन के अंदर भरपूर कमेंट आएंगे कि बेसिक डिफरेंसेस क्या है, उसके ऊपर डिटेल में और एक व्लॉग बनाएंगे. बट इन टुडेज व्लॉग वी विल ओनली टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस कैसा है, फर्स्ट राइड इंप्रेशन कैसा है, इंजन वाइज परफॉर्मेंस कैसा है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसा है, सस्पेंशन सेटअप कैसा है, एंड हर एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में जितने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो कैसा है. बट स्टिल इन शॉर्ट लेट मी टेल यू गाइस सम पॉइंट्स कि क्या कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है इन दी सुपरनोवा. सी, फायरबॉल एडिशन विल नॉट कम विद ऑल दिस क्रोम एलिमेंट्स. यहाँ पे आपको ड्यूअल स्टिचिंग यानी ड्यूअल कलर में ये सीट मिलेगा, देन जाके ड्यूअल फिनिशिंग और नहीं तो ड्यूअल टोन भी कह सकते हो, विच इज देयर इन दी टैंक. एंड अदर देन दैट, सुपरनोवा विल ऑल्सो कम विद अ विंड स्क्रीन, बट वो विंड स्क्रीन अभी फिट नहीं हो रखा है इसमें. जो सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आपको मिलते हैं सुपरनोवा में, जो सारे कॉस्मेटिक चेंजेस ही, मैकेनिकल कोई भी चेंजेस नहीं है, पावर आउटपुट का फिगर में कोई भी चेंजेस नहीं है. तो बहुत कुछ बोल के जितने सारे चीज मुझे शेयर करना था ऐसे करके G7X Mark II को फेस करते हुए, वो तो दीपांक गामा ने कर ही दिए. मिलते हैं GoPro में, बहुत सारी चीज शेयर करना है मुझे. फ्रॉम दी शोरूम टू मोयदन मैंने इसको चला के आया इधर पे, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो मुझे भी हो गया किस चीज के बारे में मुझे बात करना है. तो डायरेक्टली मिलते कहाँ पे, डायरेक्टली मिलते हैं GoPro में. सो आई एम सो मच एक्साइटेड टू राइड दिस ऑल न्यू मिटियोर 350. बट इधर पे एक चीज मैंने नोटिस की, दैट इज दिस लोगो ऑफ रॉयल एनफील्ड. मिटियोर 350 कम्स विद द ड्यूअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम, वेरी स्वीट लोगो इन द बैक रेस्ट ऑफ रॉयल एनफील्ड विच इज लुकिंग सो नाइस. बैक लाइट तो मुझे काफी पसंद है, मुझे तो यही लग रहा है कि मुझे इंटरसेप्टर के अंदर भी यही बैक लाइट फिट करना है. ऑल दिस क्यूट इंडिकेटर्स एंड द ऑल न्यू इंजन फ्रॉम रॉयल एनफील्ड विच विल प्रोड्यूस 20.2 BHP एंड 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स कंसेंट्रेट दैट हाउ it feels while riding this all new mighty meteor. This is so comfortable man, this is super duper comfortable. kya baat hai, mujhe to aisa hi lag raha hai ki this is more comfortable than thunderbird, kyunki thunderbird ka jo sitting posture tha wo tab bhi thoda upright the like this one, but this is like so much comfortable, you will literally feel that you are riding a cruiser. let me just enjoy this bike first. नो वाइब्रेशन मैन, मतलब वाइब्रेशन एकदम नहीं है वैसा नहीं है, बट रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड क्लासिक में जितने सारे वाइब्रेशन थे, यानी 350 cc में जितना वाइब्रेशन होते थे वो वाइब्रेशन इसमें नहीं है. आई वॉज ऑलमोस्ट इन द स्पीड ऑफ 80 एंड नो इशू यार. लेट मी जस्ट चेक ये रियर व्यू मिरर में कोई भी वाइब्रेशन का इशू हो रहा है कि ना हो रहा है. नहीं जी, उतना ज़्यादा तो वाइब्रेशन का इशू नहीं हो रहा है मिरर्स में, बट थोड़ा बहुत वाइब्रेट तब भी हो रहा है. सो आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस न्यू इंजन ऑफ मिटियोर की वाइब्रेशन ना रहे इसमें, क्योंकि वाइब्रेशन इज लाइक अ यू नो बिग प्रॉब्लम इन रॉयल एनफील्ड्स. बट इट फील्स ऑसम मैन. ओहो, द कंपटीटर ऑफ मिटियोर जामा 42. ओहो, गर्मी बहुत ज़्यादा है इन द मंथ ऑफ नवंबर, एंड देयर इज रौनक एंड सुदीप तो कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग मी. व्हाई यू गाइस आर फॉलोइंग मी, फॉलो क्यों कर रहे हो? बाइक लेना है. अच्छा, एक्चुअली सुदीप तो इज प्लानिंग फॉर दिस मीडियो 350. तो सुदीप तो जल्दी जल्दी ले ले भाई, और भी बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाएंगे. एंड इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू राइड दिस बाइक इन ट्रैफिक कंडीशन, बिकॉज हैंडलिंग के ऊपर अगर बात करें तो मुझे ठीक ठाक लगा. हैंडल बार उतना ज़्यादा वाइड नहीं है कि ट्रैफिक सिचुएशन में जब फिल्टर करोगे
यू विल लिटरली फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्या बात है, क्या बात है, ठुके दिले तो खुन बुझबे रहा, ताओ दे लज्जा नहीं। एंड ये गियर लीवर मुझे वो क्लासिक वाला दिन का याद दिला रहा है, वन डाउन फोर अप। इन द न्यू जनरेशन बाइक यू लिटरली डोंट गेट दिस काइंड ऑफ गियर लीवर्स, आपको बस वही वन साइडेड गियर लीवर मिलता है, बट इसमें देखो डुअल है। एंड व्हेन वी वर कमिंग फ्रॉम द शोरूम टू मैदान, रौनक वाज माय पिलियन, तो रौनक ने एक ही चीज बोले मुझे, इट इज लाइक सो कंफर्टेबल फॉर पिलियन। पीछे में आपको बैक रेस्ट पे मिलता है, एंड इन द सुपरनोवा एंड द स्टेलर एडिशन यू विल गेट दिस बैक रेस्ट, बट अगर आप स्टार्टिंग वेरियंट ले रहे हो विच इज द फायरबॉल एडिशन, देन आपको आफ्टर मार्केट उसको इंस्टॉल करने का भी मौका मिल जाएगा। यू कैन कस्टमाइज योर मीटियोर 350 फ्रॉम द शोरूम इटसेल्फ, क्योंकि रॉयल एनफील्ड जेन्युइन एक्सेसरीज के अंदर ढेर सारे ऑप्शन मिलता है इन द मीटियोर 350। क्लच इज लाइक सुपर लाइट, इंटरसेप्टर के जैसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हेवी है, आपको दर्द महसूस होगा। ट्रूली इम्प्रेस्ड अबाउट ऑल दी स्विच गियर्स, सारे पुराने डिजाइन नहीं है स्विच गियर्स में, एंड दिस थिंग इज सो कन्वीनियंट, यू कैन लिटरली कंट्रोल ऑल दी ट्रिप मीटर ओडोमीटर फ्रॉम हियर ओनली, जस्ट वॉच दिस आउट। देखो ये ट्रिप ए हो गया, दिस इज ट्रिप बी, दिस इज ओडोमीटर, दिस इज स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपका फ्यूल गॉज है, यहाँ पे आपका गियर इंडिकेटर, एंड इट विल ऑल्सो शो द टाइम हियर एंड हियर एज वेल, एंड ये प्रॉपर टाइम है, दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम। सो लेट्स कम टू दिस स्मॉल एंड क्यूट डिस्प्ले, ये क्यूट डिस्प्ले ना भाई, क्यूट तो है बट बहुत काम का चीज है, लिटरली वॉच गूगल मैप फ्रॉम दिस डिस्प्ले, एंड कनेक्ट करना बहुत ज्यादा ईजी है, बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है विच इज ऑफ रॉयल एनफील्ड, एंड वो एप्लीकेशन से ये डिस्प्ले कनेक्ट हो जाएगा आराम से। वो प्रॉपर एनिमेशन वाला गूगल मैप तो नहीं मिलेगा इसमें, यू विल गेट द टर्न बाय टर्न नेविगेशन विद कलर, ऐसे करके वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आएगा। ये सारे चीज बहुत ज्यादा खास बना रहे हैं मीटियोर 350 को। देखो जी मैं अभी सिग्नल में हूं, बट पहले क्या होते थे रॉयल एनफील्ड क्लासिक, रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड में, कि ऐसे करके ना बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील करते थे, अगर बाइक नॉर्मल आइडियल पोजीशन में भी, देन आल्सो वी यूज्ड टू फील दैट वाइब्रेशन इन द हैंडल बार, इन द फुट पेग्स, इन द मिरर, उतना ज्यादा वाइब्रेशन नहीं है। आई नो आई एम कॉन्स्टेंटली फोकसिंग इनटू दिस मैटर ओनली, बट क्या करे जी, रॉयल एनफील्ड का तो प्रॉब्लम ही ये था। लेट्स टॉक अबाउट द पावर डिलीवरी ऑफ दिस ऑल न्यू मीटियोर 350। देखो पहले से अगर कंपेयर करें थंडरबर्ड एंड क्लासिक 350 से, देन मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंस फील हुआ कि हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा है, एंड ऑन पेपर भी थोड़ा बहुत बीएचपी ज़्यादा ही है, बट उतना कुछ खास मुझे लगा नहीं, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है अगर जावा से कंपेयर करें। जावा का जो इंजन है विच इज़ ऑफ मोजो, इट फील्स सो पेपी वाइल राइडिंग, बट ये इंजन में इनिशियली तो पुल है नहीं, मिड रेंज थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई एम श्योर इनफ कि टॉप एंड में जाके पूरा फ्लैट हो जाएगा, एंड मैक्स टू मैक्स यू कैन टच अराउंड 130, दैट इज मैक्स, उससे ज्यादा अगर हो सके तो मुझे बताना अगर आपने किए, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, फ्रॉम लास्ट 30-45 मिनट्स आई एम राइडिंग दिस बाइक कॉन्स्टेंटली ऑन दिस रोड्स, तो मुझे तो यही लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स वो 130 बच करे, उससे ज्यादा नहीं। बट इस बार रॉयल एनफील्ड ने मीटियोर के अंदर बहुत ज्यादा कंसेंट्रेट किए इन द मैटर ऑफ फिट एंड फिनिश, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऑल दी स्विच गियर्स, हेडलाइट, डिस्प्ले एकदम भी हिल नहीं रहा है, क्योंकि थंडरबर्ड में वो इशू था भाई, स्पीडोमीटर बहुत ज़्यादा हिलते थे एंड वो वाइब्रेट होते थे, बट वो वाला इशू तो इतने टाइम से आई एम राइडिंग दिस बाइक मैंने फेस नहीं किए। देन जाके ऑल दिस फुट पेग्स, गियर लीवर, ब्रेक लीवर, एवरीथिंग इज लाइक यू नो टॉप नॉच क्वालिटी, एंड यू विल नॉट फील कि कोई चीप मटेरियल यूज हुआ है इस मीटियोर के अंदर, दिस इज लाइक सो गुड इन फिट एंड फिनिश फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द सस्पेंशन सेटअप। देखो सस्पेंशन सॉफ्ट साइड में ही है, क्योंकि क्रूजर में आपको तो स्टीफ सस्पेंशन मिलेगा नहीं, बट जो भी है जैसा भी है सीट के हिसाब से अगर देखोगे दिस इज लाइक सो कम्फर्टेबल। एंड अनादर प्लस पॉइंट अबाउट दिस मीटियोर इज दिस सीट, जैसे कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन का जो स्टॉक सीट है इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल है कि कोई भी आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन का जरूरत ही है नहीं, ठीक वैसे ही मुझे मीटियोर का सीट भी लग रहा है, दिस इज किया कार्निवल। While riding this Meteor 350, you will get a good vibe about one thing. तो चलो जी वो भी बता दे, that is this bulky tank. इतना ज़्यादा bulky है ना कि literally you will feel so muscular while riding this bike. I am in love with this Royal Enfield emblem, but Fireball edition में ऐसे normal sticker ये Royal Enfield का, but in this Taylor variant and in this Supernova which is the top variant, यहाँ पे आपको ऐसे करके chrome finish के अंदर emblem मिल जाएगा Royal Enfield का। Black color के अंदर ये सारे engine portion है, कोई भी chrome element इधर पे है नहीं, but the exhaust is of chrome. अच्छा exhaust note ही तो नहीं सुनाया दीपांका माने, बट वो वाला व्लॉग के अंदर तो सुना दिया भाई, तो एक काम करो वो व्लॉग थोड़ा बहुत देख लो, क्योंकि क्या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलता है, डिफरेंस क्या है हर एक वेरिएंट के अंदर, वो दीपांका मामा ने हर एक चीज़ एलाबोरेट किया वो व्लॉग में, तो वो जाके एक बार देख लेना। बट स्टिल आई ऑल्सो मेक अनदर व्लॉग अबाउट दैट, एकदम डिटेल, एकदम माइन्यूट डिटेल पकड़ के बनाएंगे। एंड ये मीटियोर 350 के अंदर यू विल गेट दी 15 लीटर्स ऑफ टैंक, जितने सारे डिसेंट फीचर्स चाहिए था एक क्रूजर के अंदर रॉयल एनफील्ड की तरफ से, वो सारे चीज़ तो रॉयल एनफील्ड ने दे दिए, बट एक चीज़ मिस कर गया, दैट इज दी आरपीएम मीटर, वो काफ़ी ज़रूरी है भाई। जैसे कि दिस किल स्विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर रॉयल एनफील्ड, ठीक वैसे ही ये पास स्विच भी काफ़ी डिफरेंट है, जब आपको पास यूज़ करना है देन आपको ऐसे करके प्रेस करना है, एंड सामने आपको डीआरएल भी मिल जाता है, क्या बात है।
तो ब्रेकिंग मुझे ठीक ठाक लगा, 12 चैनल एबी सबको मिलता है। ब्रेकिंग इज लाइक दिस, यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ फीडबैक फ्रॉम द ब्रेक्स एंड दिस गियर बॉक्स इज लाइक सो नॉची, एकदम परफेक्टली ये शिफ्ट होता है एंड प्रॉपरली शिफ्ट होता है। नाउ आई थिंक आई हैव कवर्ड अराउंड ईच एंड एवरी पॉइंट जो कि मुझे बताना था आप लोगों को। लेट मी टेल यू गाइस वन मोर थिंग कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल रिव्यूअर, आई शेयर माई थॉट, माई ओपिनियन फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव, क्या कुछ चीज मुझे सही लगा, क्या मुझे एक्सपीरियंस हुआ ये बाइक चलाने के बाद। तो डोंट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ प्रोफेशनल रिव्यू, बट जितना नॉलेज मेरे पास है मैं हमेशा वही ट्राई करता हूँ कि वही नॉलेज से आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अभी मुझे दे देना है शोरूम में मीटियो 350 को, मन तो नहीं कर रहा है, मन तो ये कर रहा है कि लॉन्ग राइड करके आए। दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि बहुत ही हाई डिमांड है अभी शोरूम में ये मीटियो 350 का, कि टेस्ट राइड लेना है, टेस्ट राइड लेना है। बट ईस्ट इंडिया एग्रो तब भी मैनेज किए भाई 1.5 आवर्स मेरे लिए, तो थैंक्स अ लॉट टू देम। तो वहाँ पे रौनक की शूटिंग, तो चलो जी राइट नाउ द टाइम इज टू गिव दिस मीडियो 350 बैक टू रॉयल एनफील्ड शोरूम विच इज ईस्ट इंडिया एग्रो। और एक इन्फॉर्मेशन आपको भाई दिमाग आवा के शेयर तो कर दी, मेरे लिए एक चीज़ अभी भी बाकी है, दैट इज द एग्जॉस्ट नॉब। रौनक वो पीछे तो अभी ईस्ट इंडिया एग्रोस के अंदर में हूँ, इधर भी लॉन्च हुए थे वीडियो 350। तो थैंक्स अ लॉट टू ईस्ट इंडिया एग्रो फॉर प्रोवाइडिंग दिस मीटियोर टू मी, क्योंकि हाई डिमांड में है भाई अभी बाइक। एंड थैंक्स टू दिस पर्सन, हाई एवरीवन, आल्सो दिस इज अरुण का। अगर किसी को लेना है मीटियोर तो आपका नंबर बता दो। मेरा मोबाइल नंबर है 8961200687। ओके, और हमारा शोरूम है 47C6 ऑपोजिट ऑफ कला मंदिर, ऑपोजिट ऑफ कला मंदिर। तो अगर कोई भी आए इधर दीपांगा में देख के तो ठीक से एकदम आराम से दिए गए, तो मुझे बोलना नहीं है, आई नो दैट। थैंक यू सो मच अरूप दा। इधर पे थोड़ा बहुत कॉफी वॉफी पीते, ऐसे फ्री का कॉफी मुझे बहुत अच्छा लगता है, कॉफी पानी सारे पीते, उसके बाद बाहर जाके देन मिलते हैं, देन करेंगे आज का ब्लॉग एंड। बहुत और वॉच टाइम दीपांगा को देर होगा। चलो जी आज के लिए ब्लॉग इतना ही था, फोकस कहाँ गया, अच्छा फोकस भी है सुनीत तो? हाँ। कैसा था? बहुत बढ़िया। तो सुनीत इज प्लानिंग फॉर, हो सकता है कि बहुत जल्दी ये बाइक दीपांगना फैमिली के अंदर भी आ जाए, है कि नहीं? एकदम कॉन्फिडेंट नहीं है तू? अरे हो जाएंगे कॉन्फिडेंट, हो जाएंगे कन्फिडेंट। ठीक है जी, आज के लिए ब्लॉग इतना ही था, जो करना सो समझ के करना, बिना सोच के कुछ मत करना। इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो कर रहे तो क्या करो, इंस्टाग्राम में जाकर डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। If you have any kind of query जिसके ऊपर आपको एकदम तुरंत 24 hours के अंदर reply चाहिए, then you can also mail me dipangama@gmail.com। तो आराम से जाकर mail कर दो, 24 hours के अंदर guaranteed reply मिल जाएगा। Bye।